अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज बनाएंगे हम गुलगुले। तो ये एक टोप है, इस पर मैं छन्नी रख के, ये 500 ग्राम मैदा है, मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप लोग कम भी बना सकते हो 250 ग्राम का। तो ये 500 ग्राम मैदे में ये डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और इसमें डालती हूँ मैं अभी ये 1 बड़ा चम्मच रवा डाल रही हूँ मैं। अभी इसको छान लेते हैं, और मैं थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ ये गुलगुले। इसको छान लेती हूँ मैं। तो ये देखिए अच्छे से छान ली हूँ मैंने। अब डालते हैं इसमें शुगर पाउडर। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 1 प्याली शक्कर। शुगर पाउडर है, मैंने शुगर को पीस के रखी थी 1 प्याली। ये डालूँगी मैं इसमें खोपरा, आप लोग जितनी मर्जी चाहे डाल सकते हो। और ये है कुटी हुई सौंफ, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई सौंफ है ये सौंफ। और अभी डाल रही हूँ मैं एक इसमें 1 अंडा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो ये देखिए मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से अच्छे मिक्स कर दी हूँ, और इसका बैटर अभी ऐसा थिक है। अभी इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर देखते हैं पानी की ज़रूरत पड़ती है या ऐसे ही बनता है। अभी इसको अपन 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे पानी छिड़की हूँ ताकि ये एकदम ड्राई ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर रवा है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए इसको 1 घंटा हो चुका है रख के। अभी इसको हाथों से अच्छे से ऐसे फेंट लेंगे, और थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं, क्योंकि ये ठोस हो गया है, एकदम हार्ड हो गया है ये। तो ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है ये। इसको मैं आसानी से हाथ से उठा के इसमें डाल सकती हूँ। तो तेल गरम हो चुका है, बिस्मिल्लाह, एक ट्राई की हूँ। तो ये देखिए परफेक्ट बना है हमारा, अच्छे से फूल गया है। यहाँ तेल गरम है ऑलरेडी, मैं इसमें और फटाफट सब डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए मस्त एकदम परफेक्ट सिक रहे हैं हमारे अलग स्टाइल में गुलगुले, माशाल्लाह बहुत अच्छे फूल गए हैं ये। तो ये अच्छा सीख गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ मैं। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे गुलगुले मस्त स्टाइल में, देखिए एकदम मस्त है, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है। तो आप लोग भी यही स्टाइल से बनाइए, ट्राई कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।